الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر والصلاة والسلام عليك يا رسول الله टाइम काफ़ी हो गया मेरी और तुहाड़ी हालत हुण इहो जी होई पई है कि जो बंदा किसी कमरे च डकिया नहीं होंदा ते उहदी कोशिश होंदी है कि वो इंतजार खत्म होवे या कमरा खुले अल्लाह करो ताला उंज ही टुट जाए भावें जिन्ना मर्जी महंगा होवे ते असीं बाहर निकलीए सच्ची गल है कोई झूठी गल नहीं है मैं भी थकिया पिया वा ते तुसीं भी थके पिया ठीक है ते हुण ज़हरी बात है जिन्होंने मेहमाना ने बुलाया उन्हें फिर आना तो फिर उन्हें अपने हिसाब ने फिर दो चार गल्लां ते करनियां ने ना तुसीं भी उन्हां वास्ते बैठे हो तो मैं भी उन्हां वास्ते बैठा तो मैं यकीन नाल कह सकना ना तुहाडा बहना जाया जाएगा तो ना इंशाल्लाह मेरा बहना जाया जाएगा ना तुहाडा बहना जाया जाएगा तो ना मेरा बहना जाया जाएगा क्यों क्योंकि अगर असें एक आलमे दीन की ज़ियारत करनी है तो वह कोई खाली आलमे दीन नहीं वो आलिम भी है तो आलिम बा अमल भी है तो नबी दी आल तक फुल भी है ता करके ये सारिया सारिया सादत सानू नसीब होनी ने ते मैं कलाम के दो शेर पढ़ने ने इस नीयत ना मैं पढ़ने ने कि तुसी सारे मेरे नाल पढ़ने ने हाथ खड़ा करो जिन्हें मेरे नाल नहीं पढ़ना तुसी हुणी आखदे पे हो कि असीं थक गए असीं तुहाडे नाल नहीं पढ़ना तो मैं इस तो आखिया कि जिन्ना मेरे नाल पढ़ना तो पढ़ांगा भी पंजाबी आसान पढ़ांगा कोई ज़्यादा औखा नहीं पढ़ांगा तो जेहड़े तुसी थोड़े दूर दूर बैठे हो ना थोड़ा नेड़े नेड़े होवो हाँ ताकि जरा सुस्ती भी दूर हो जाए जगह भी बदल जाए तो जरा दिमाग भी थोड़ा जरा फ्रैश हो जाए सारा वेखो ना अगर शाह साहब मुबारक आ जाए तो असं एडे ढिले बहीए तो दसो हाँ अपने यकीन नाल दसो वह तकरीर करनगे तुहाडी ढिलेपन नूं वेख के नहीं उन्हें तकरीर करनी तो जो तुम जागते बैठे हुए तो फ्रैश बहोगे इंशाला तकरीर सुना के जाएंगे इंशाला अगले साल रमजान के सताइए रोजे तक इंशाला तुम्हें मजा चढ़िया रहेगा क्योंकि वह है ही इस तरह का बंदा जिन्होंने एक बार तकरीर सुना जाए तो हो ही नहीं सकता बंदा उन्हें तकरीर को पसंद न करे उस बयान एडा सोहना करते हैं तो जे असी थके त्रुटे बहीए तो उन्होंने ये दसीए कि असते बड़े थके पे हैं तुम भी खुदा वास्ता जे बस दस मिनटा तो बाद छड़ दिया जे उन्हें फिर दस मिनटा तू छड़ भी देना एक बार मुहब्बत ना कही तरह सारे सुबहान अल्लाह नहीं नहीं इंज नहीं इंज नहीं तरह दब क्या करो सुबहान अल्लाह
वेखो तुम सुबहान अल्लाह बोली है तो कई बंद सुस्ती लै गई माशाला। तो इस तरह तुम हम जागदे रहना है ताकि दस मिनटा के अंदर अंदर इंशाला मैं हाजरी तो कौन सी मैं तो शाह साहब सुन आया सा लेकिन बस आने की वजह तू तो उन्होंने थोड़ी जी लेट हो गई है तो उन्हें आखिर दस मिनट तुम पढ़ लो इन्नी देर तक शाह साहब भी आ जाएंगे। अल्लाह दे सारे कलामाचों कुरआन दरुतबा वखराए अल्लाह दे सारे कलामाचों कुरआन दरुतबा भाई तुसी मेरे नाल मिलकर पढ़ना है अल्लाह दे सारे कलामाचों कुरआन दरुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामाचों कुरआन दरुतबा अल्लाह दे पाक कलामाचों कुरआन दरुतबा वखराए जिवें नबिया बेचों नबिया दे सुल्तान दरुतबा पढ़ो ना आखिरी अल्फाज तुम मेरे ना मिलके पढ़ लो जीवे नबिया दे सुल्तान दरुतबा वखराए जीवे नबिया दे विच नबिया दे सुल्तान दा सिदरात जिबरील अमी मेरे आका खुदा दे कोल गए जिबरील अमी सिदरात रहे सरकार खुदा दे कोल गए मेरा जिद रात ने दसाए इंसान दरुतबा वखराए मेरा जिद रात ने दसाए इंसान दरुतबा वखराए अल्लाह दे पाक कलामाचों कुरआन दरुतबा वखराए जिवें नबिया दे विच नबिया दे सुल्तान दरुतबा अल्लाह जल जलालहु व अमन वालहु खाली के कायनात दी हमदो सना करीम आका दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद और सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद अज दी ए रूहानी वजदानी महफिले अजमत कुरान जिस दे अंदर मैं तुसी हाजिर हाँ रब्बे कायनात मेरी और तुहाडी हाजरी अपनी बारगाह शर्फ कबूरी अता फरमाए हुज़ूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा दे अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत और मखलूके खुदा की फिक्र के अंदर मेरे नबी मसरूफ ने गारे हिराए वे तफक्करून फी खल्क़ समावात वल अर्द हुज़ूर अल्लाह का जिक्र करते पे ने ते नाल मखलूके खुदा की हिदायत वास्ते मेरे नबी गौर व फिक्र पे करते ने अचानक जिबरील अमीन आए जिबरील अमीन आए तो हुजूर जी बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं एक तरह महबूब पढ़िए जिबरील कहने वाले ने और जिन्होंने किया जा रहा है वह मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर है जिबरील अमीन ने आख्या एक तरह पढ़िए हुजूर फरमाते हैं मां नबी कारी जिबरील मैं ते पढ़िया ही नहीं मैं ते पढ़िया ही नहीं जिबरील ने फिर आख्या एक तरह महबूब पढ़िए हुजूर ने फरमाया मां नबी कारी मैं पढ़िया ही नहीं
तीसरी दफा फिर जिब्रील अमीन ने आख्या आका पढ़िए। हुजूर फरमाते ने मां ना बेकारी जिब्रील मैं पढ़िया ही नहीं। जब हुजूर ने यह आख्या कि मैं पढ़िया ही नहीं मां ना बेकारी मैं तो पढ़िया ही नहीं, जिब्रील अमीन ने मेरे नबी नू सीने मुबारक न लाया। जिब्रील अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सीने मुबारक न लगाया छोड़िया मेरे नबी नू। फिर जिब्रील ने आख्या एक करा पढ़िए। हुजूर फरमाते ने मां ना बेकारी मैं पढ़िया ही नहीं। फिर सीने न लगाया छोड़िया। फिर आख्या एक करा पढ़िए। हुजूर फरमाते ने मां ना बेकारी मैं पढ़िया ही नहीं। जो तीसरी मरतबा जिब्रील अमीन ने मेरे नबी नू सीने न लगाया फिर आख्या पढ़िए। फिर मेरे नबी ने ऐसा पढ़िया ऐसा पढ़िया कि जिब्रील अमीन भी हैरान ते परेशान हो गए। मेरे नबी ने जिब्रील अमीन नू आख्या मां अना बिकारी मैं पढ़िया नहीं। जिब्रील ने मेरे नबी नू सीने न लगाया है। मेरे नबी कहंदे ने मां अना बिकारी जिब्रील मैं पढ़िया नहीं। मेरे नबी नू जिब्रील ने तीसरी मरतबा सीने न लगाया है। सीने न लगा के मेरे नबी नू जिब्रील कहंदे ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक ए महबूब अल्लाह दे नाम तू पढ़िए। अगर किसे नू आखिए ए कम कर ओ ना करे, दूजी वार आखिए ए कम कर ओ ना करे, तीसरी वार आखिए ए कम कर ओ ना करे, तीसरी बार मैं ते तुसी कहने खुदा दे वास्ते ए कम कर। मेरे नबी ने तीसरी मरतबा आख्या जिब्रील मां नबी कारी जिब्रील मैं पढ़िया नहीं। मेरे नबी नू तीन दफा सीने न लगाया है। जिब्रील अमीन ने आख्या इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक महबूब अपने रब दे नाम तू पढ़िए। जिब्रील ने एक आयत पढ़ी है। मेरे नबी ने पांच आयत सुना छड़िया ने। मेरे नबी ने पांच आयत सुनाइया ने। जिब्रील ने जब हुजूर का कलाम सुनया है मेरे हुजूर ने आख्या मां अनबिकारी मेरे हुजूर ने आख्या मां अनबिकारी मैं पढ़िया नहीं। सूफियाने दे आशकाने मुहब्बत आलिया ने बड़ा कमाल का जुमला लिखा है। जिब्रील अमीन नू मेरे नबी दस्या है जिब्रील मैं पढ़िया नहीं मैं दुनिया नू पढ़ाण वास्ते आया वा। जिब्रील मैं तेरे कोल नहीं पढ़ना मैं दुनिया नू पढ़ाण वास्ते आया वा। किवें मेरे नबी पढ़े ने हजरत आदम दी वारी अल्लाह फरमांदे ने वा अल्लाह फरमांदे ने वा दमल अस्मा कुल्ला हजरत आदम दी वारी आई है। अल्लाह फरमांदे ने सारी कायनात दियां चीज़ां दा इलम में आदम नू दिता है। हजरत दाऊद दी वारी आई है अल्लाह फरमांदे ने वा अलन्ना लहुल हदीद हजरत दाऊद नू अल्लाह ने जिरा बनाने दा इलम दिता है। हजरत खिजर दी वारी आई है अल्लाह फरमांदे ने वा अलन्ना मिल्लदुन्ना इल्मा हजरत खिजर नू अल्लाह ने इल्म लदुनी बातन दा इल्म अता फरमाया है। हजरत मेरे नबी दी जदो वारी आई है अल्लाह फरमांदे ने अर्रहमान अल्लम अल कुरान खलक अल इंसान हजरत आदम दी वारी आई है ते चीज़ां दे नाम दसे। हजरत खिजर दी वारी आई है हजरत खिजर दी वारी आई है ते बातन दा इलम दसे आए। हजरत दाऊद दी वारी आई है अल्लाह ने लोहे दे इलम दिता है। जदों तेरे ते मेरे पाक पैगंबर दी वारी आई है अल्लाह फरमाया महबूब तेनू चीज़ां दे नाम नहीं दसे, मैं अपने यार नू सारे कुरान दा इलम दे के भेजे आए। हर नबी नू अल्लाह ने अलग अलग इलम दिता है लेकिन तेरे ते मेरे पाक पैगंबर जी वारी आई है अल्लाह ने चीज़ां दा नाम नहीं दस्या बल्कि अल्लाह फरमाया मैं सारे कुरान दा इलम अपने यार नू दे छड़िया है। सारे कुरान दा इलम अपने यार नू दे छड़िया है। कदों दा दिता है कदों दा दिता है सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान रहमान ओ है अल्लाह मल कुरान जिसने अपने यार नु कुरान सिखाया। खलकल इंसान फिर इंसान नु पैदा किया। खलकल इंसान फिर इंसान नु पैदा किया एदा मतलब पता ए चलिया कि इंसान बाद इस पैदा होया कुरान पहले अल्लाह दा मौजूद है। मैं अगर अपनी गल करा तो वो अंदर कोई एतराज हो सकता है लेकिन अल्लाह दा कुरान कह रहा है
अल्लाह ने अपने यार नू कुरान दिता है, अपने यार नू कुरान सिखाया है। जिबरील कहते ने इकरा पढ़िए, मेरे हुजूर फरमाते ने मा अनबिकारी, जिबरील कहते ने पढ़ो, आका फरमाते ने मैं नहीं पढ़िया, जिबरील कहते ने पढ़ो। जिबरील कहते ने पढ़ो, मेरे आका फरमाते ने मैं नहीं पढ़िया। ये सुनिए कहते ने कुरान न बदला जाएगा, कहते ने कुरान की शान क्या है, कुरान अल्लाह की लारैब किताब है, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे साथी बैठ जाओ, मिलन का टाइम नहीं, मेहरबानी सारे साथी बैठ जाओ, जो बैठ जाएंगे किबला हुजूर सारे ज़ियारत कर लिया जे, बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आले नबी औलाद अली पीरे तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब, आप तशरीफ ला चुके ने, तुसी दो साहबाब काफ़ी देर तो इंतज़ार कर रहे सो और किबला हुजूर आ गए ने, ज़्यादा इन्हां दे ते तुहाडे दरमियान मैं ज़्यादा हायल नहीं होवांगा, तुसी एक बार मुहब्बत ना कहिए तरह सुबहान अल्लाह। मेरे अल्लाह फरमांदे ने अर्रहमानो अल्लमल खलकल इंसान, खलकल इंसान, अल्लाह फरमाते ने मैं यार नु कुरान दे के भेजे आए, यार नु कुरान दा इल्म अता फरमाया है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप पूछा गया हुजूर दा अखलाक क्या है, सैयदा आयशा फरमांदियां ने काना खुलकहु अल कुरान, सारा अखलाक सारा कुरान मेरे नबी दा अखलाक है। मेरे नबी जदों दुनिया ते आए ने सब तो पहले सजदा किया है, 12 साल की उम्र दी अंदर मेरे नबी ने बुहैरा राहिब नु आख्या ए बुत मेरे दुश्मन ने, 25 साल की उम्र दी अंदर नस्तूरा राहिब दे नाल मेरे नबी दी मुलाकात होई है, ते मेरे नबी ने फरमाया इन्ना बत्तां दा मैं दुश्मन आ, ए सारियां चीज़ां कुरान अजे आया नहीं। मेरे नबी दुनिया ते आए ने सजदा किया है, ए मेरे नबी दा खुल्क कुरान नहीं आया। 12 साल की उम्र है मेरे नबी ने बुहैरा राहिब नु आख्या ए बुत मेरे दुश्मन ने कुरान अजे नहीं आया, ये चीज़ा मेरे नबी दी खुल्क दे अंदर मौजूद ने। 25 साल की उम्र है मेरे नबी ने फरमाया ए नस्तूरा राहिब ए बुत मेरे दुश्मन ने कुरान नहीं आया। मैं मुकदी गल मुकावा, कुरान 40 साल बाद जिबरील लैके आया है, केड़ी चीज़ा अल्लाह नू पसंद ने ते केड़ियां अल्लाह नू ना पसंद ने, ये सारियां चीज़ा मेरे नबी दे खुल्क दे अंदर मौजूद ने, क्योंकि मेरे नबी नू अल्लाह ने अखलाक अता फरमाए ने, सीरत भी अता फरमाइए, सूरत भी अता फरमाइए, ता कि असी कहने हैं तेरी किस कदर प्यारी अदाएं यार। भाई जेड़ा जेड़ा यार रसूल अल्लाह के नाम तू वाकफ है, वो दे किले जे जो ठंड पैंदी ओ बोले दूजा चुप कर जाए, है तेरी किस कदर प्यारी अदाएं यार।
मेरे अल्लाह फरमाते ने वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वल्लैल इज़ा यग्शा ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा किए है तेरी किसे कदर प्यारी अदाएं या भाई बोले नहीं तुसी जे मेरी बारी नहीं बोलना तो शाह साहब नाराज करके भेजना दब क्या खेद रहा सुबहान अल्लाह भाई हुजूर हुजूर का नाम तो कह सकते ना बाकी जुमला नहीं पढ़ सकते। पढ़िए है तेरी किसे कदर प्यारी अदाएं या है तेरी किसे कदर प्यारी अदाएं या रसूल अल्लाह खुदा करता है खुद तेरी सनाएं।